नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, इस पर 6 अप्रैल गुरुवार के दिन है हनुमान जयंती। एक छोटा सा उपाय आपको ऐसा बताने के लिए जा रही हूँ, जिस उपाय को करने से आपके घर में कैसे भी भूत पिशाच जिंद होंगे, नजर होगी, हाय बद्दुआ लगी होगी, परिवार के लोग किसी बीमारी से परेशान है, घर में कलेश हो रहा है, घर में कोई परछाई दिखाई दे रही है, दुःस्वप्न आ रहे हैं, बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया है, भूख कम लग रही है, ऐसी कोई भी परेशानी हो, आप इस उपाय को करें। आप देखेंगे तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को डायल करें जो चालू वीडियो में फ्लैश हो रहा है। नंबर है 7043814299। यही मेरा नंबर, इसके सिवाय कोई भी नंबर आप डायल करते हैं तो वो आपकी अपनी जिम्मेवारी है। दोस्तों, ये छोटा सा काम है जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ हनुमान जयंती वाले दिन। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपको भगवान श्री राम के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर में जाना है। आप पीले रंग के कपड़े पहने और आज के दिन हनुमान चालीसा, अष्टक और बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी के मंदिर में या घर में बैठ करके आप जरूर करें। आज के दिन हनुमान जी के सामने खड़े होकर के श्री राम स्तुति पढ़ने से व्यक्ति की तमाम इच्छाएं पूरी होती है। आज के दिन हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद रख चढ़ाएं। हनुमान जी के सामने आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं या घी का दीपक जलाएं। कोई बहुत बड़ी परेशानी से यदि आप जूझ रहे हैं तो सरसों का तेल, चमेली का तेल और तिल का तेल मिक्स करके एक दीपक, एक बड़ा सा दीपक जला करके आप मंदिर में रख करके आ जाएं या अपने घर में पूजा स्थान में रखें। दीपक को जला करके पहले भगवान के आगे अर्पित करें, उसके बाद में पूरे घर में उसको घुमा दें और फिर भगवान को अर्पित कर दें और उसमें पीली सरसों डाल दें पूरे घर में दीपक को घुमाने के बाद। ये दीपक तमाम प्रकार की तकलीफों से आपको मुक्ति दिला देगा। दूसरा, एक तांबे के लोटे में आप जल ले लें, उसमें एक गुड़हल का फूल डाल दें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और 1 रुपया डाल दें और आप श्री राम स्तुति बोलते हुए घर से जाएं इस पानी को लेकर के, और इस पानी को आप हनुमान जी के पैरों पर चढ़ा दें। 2 बर्तन लेकर के जाएं, एक लोटे से आप पानी चढ़ाएं, दूसरा लोटा नीचे रखें जिसमें आपको इस पानी को भर लेना है। ऊपर से एक हाथ से चढ़ाते जाएं राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड में दूसरा लोटा लेकर के खड़े रहें जिसमें आपको ये तमाम पानी भर लेना है। और इस पानी को आप लेकर के अपने घर में आ जाएं, जो पुष्प है और रुपया है वो वहीं पर हनुमान जी को अर्पित करें और इस जल को पूरे घर में छिड़कें और खुद भी एक एक चम्मच ले लें और बचा हुआ पानी आप एक बोतल में भर करके रख लें और कंटिन्यू 9 दिनों तक आप इस जल को अपने घर में एवरी डे छिड़कें। आज के दिन इस तरीके से हनुमान जी के पैरों का पानी यदि आप घर में लेकर के आते हैं और उसको घर में स्थान देते हैं, पूरे घर में छिड़कते हैं, तो तमाम प्रकार की नेगेटिविटी से आपकी रक्षा होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में एंटर होगी। तमाम प्रकार के नजर दोष, हाय बद्दुआ, बीमारी, कलेश, बेरोजगारी, इन तमाम चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। जरूर करें इस छोटा सा उपाय। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। अवश्य उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।